बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रीमा फेशी। ये मैक्सिम है और लातीनी ज़बान का ये एक फ्रेज़ है, मैक्सिम है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम पूरे मैक्सिम उन पे लेक्चर भी देंगे, अवेयरनेस भी देंगे। और प्रीमा फेशी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रीमा फेशी? इसका मतलब है एट फर्स्ट साइट, अपेरेंटली, एविडेंट, ऑन अपेयरिंग, क्या नज़र आ रहा है। ये फौजदारी में और सिविल साइड दोनों में ये वकला के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। सिविल में भी प्रीमा फेशी केस बनता है या नहीं बनता, और क्रिमिनल में भी प्रीमा फेशी केस बनता है या नहीं बनता। इसकी जो एक सबसे बड़ी डेफिनेशन है जो आज तक लीगल साइड पे दी गई है, वो 2022 PCRL लाहौर 6707, उसमें कुछ इस तरह बयान किया गया है कि द टर्म प्रीमा फेशी is a Latini phrase meaning at first sight or on its face. In legal context, it refers to evidence that, unless rebutted, is sufficient to prove a particular proposition or fact. Understanding prima facie is crucial for lawyer as it plays a significant role in various stages of legal proceeding, from filing a lawsuit to presenting case in the court. अब ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इस प्रेसिडेंट लॉ के, ये केस है मोहम्मद बशीर बनाम सरकार वगैरह। इसके बाद अब ये देख रही है कि सिविल केस में कैसे प्रीमा फेशी चाहिए। फर्ज कर ले आप एक दावा करते हैं और उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो किस तरह साबित करेंगे, अदालत कैसे देखेगी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वो प्रीमा फेशी साबित भी नहीं होगा। और अगर प्रीमा फेशी साबित नहीं होगा तो वो केस कैसे चलेगा। अब प्रीमा फेशी का मतलब ये है कि अनटिल रिबटेड, उसकी प्रजम्पशन है कि ये हो सकता है, प्रज्यूम किया जा सकता है ये हो सकता है, प्लजिबिलिटी है, उसमें सपोजिशन है, विजिबिलिटी है, एलिगेशन है, एलेज्ड है कि वो ये सिविल केस हो सकता है। तो इस तरह जितने भी दावे हैं उनको जब कन्फ्रंट किया जाए, जब अदालत पढ़े, जब आप खुद एक वकील उसको स्टडी करता है, तो उसको ये पता चले कि ये विजिबली ये केस बनता है, प्रीमा फेशी ये केस बनता है। आप दूसरी साइड पर आ जाए कि अगर प्रीमा फेशी केस ना बनता हो तो एक लिमनी कंट्रोल, एक नया इसमें प्रोनाउंस, एक लफ्ज़, एक सेंटेंस इंट्रोड्यूस किया है जुडिशरी ने, जजेस साहबान ने, कि अगर केस नहीं बनता तो सिविल में फौरी तौर पे उसको खारिज कर दिया जाए ताकि वक्त का ज़्यादा ना हो। आप इसी तरह लीगल साइड पे क्रिमिनल केस में भी प्रीमा फेशी किसको कहते हैं, प्रीमा फेशी यही है कि विजिबली, जहरी तौर पर क्या है कि अगर एक इस्तगासा पेश किया जाता है तो वेदर उसमें जो अलेज्ड एविडेंस हमने दी है प्रीमा फेशी देखते हुए, पढ़ते हुए कि उसमें 161 क्या है, FIR क्या है, गवाहान के बयानात किस तरह हैं, और उसको प्रीमा फेशी पढ़ने से वो वेदर दैट इज़ प्रेग्नेंट विद द इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंसेस, कि कोई ऑफेंस उससे मेड आउट होता है, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है या नहीं, और अगर उससे कोई ऑफेंस बनता है तो वो प्रीमा फेशी केस है। हम आम हालात में कहते हैं कि वेयर देयर आर सम क्लाउड्स टू डिटरमिन गिल्ट आर इनोसेंस ऑफ द अक्यूज़। अब वो प्रीमा फेशी देख के कहना होता है कि ये नहीं है कि ट्रायल हो गया है या पुलिस ने कोई अपनी राय दे दी है, पुलिस की राय भी को भी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इन हालात में यही देखा जाएगा कि प्रीमा फेशी क्रिमिनल साइड पे और सिविल साइड पे दोनों साइड पे अपेरेंट केस बनता है, ऑब्वियस है, विजिबल है, ऑन द फेस ऑफ इट है, और एट फर्स्ट ग्लांस, एट फर्स्ट साइट इसमें कुछ ना कुछ मटीरियल है, अनटिल ये रिबट ना किया जाए। और इसके लिए जो अथॉरिटी मैंने बताई है 2022 PCRL 6707 मोहम्मद बशीर बनाम सरकार, ये एक ही आई है जो प्रीमा फेशी को इसने बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है। तो आई थिंक प्रीमा फेशी एक अहम टॉपिक है और इसको हर वकील को समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल।